कट ऑफ जो मैंने बताया है वो कट ऑफ से दो चार नंबर आगे या दो चार नंबर पीछे रहेगा। अगर कोई कट ऑफ बहुत ज्यादा बता रहा है तो इसका मतलब कि वो अनायास उसके मुंह से गलती निकल गया, या वो समझिए कि अपना कुछ अलग अलग बोल के बच्चों को फ्रस्ट्रेट करना चाह रहा है। तो कट ऑफ जो मैंने बताया है तमाम शिक्षकों का लगभग उसी के आसपास है, दो चार नंबर। लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों से आपने बातचीत किया, उसके बाद आपने 2.5 लाख लड़कों से बात किया, 2.5 लाख लड़कों की संख्या। हाँ, बहुत बड़ा संख्या है भाई, और मैंने टोटल मिलाकर 2.5 लाख लड़कों से बात की है। अब सब तो कहिएगा फोन पर तो बात नहीं ना होगा, सब मैसेंजर पर टेलीग्राम पर सबसे बात हुई है, और सबने यही कहा है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो उनका कटअप था, यही कारण है कि मुझे डबल कटअप बना, दोबारा कटअप बनाना पड़ा, और मैंने जो कटअप बताया उसे दो नंबर ज्यादा या दो नंबर कम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। अभी भी आप अपने कटअप पर 100% अड़े हैं हम, क्योंकि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं सर, तो हो सकता है कि आप भी मूड चेंज करके शिक्षक अभ्यर्थियों को बोल देंगे कि इतना नहीं इतना। क्या मूड चेंज करने वाले शिक्षक आपको नजर आ रहे हैं? आपको मूड चेंज करने वाले शिक्षक नजर आ रहे हैं? मैं गुरु हूँ, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना और कोर्स बेचना मेरा काम नहीं है, नौटंकी करना काम मेरा काम नहीं है। मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ, मैं बच्चों को ठगने का प्रयास नहीं करता हूँ। सीधे आपने जो 2.5 लाख बोल दिया सो बोल दिया, पक्का है, पक्का है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा दो चार जा सकता है, दो चार कम जा सकता है, उससे अतिरिक्त नहीं। मान लीजिए होता है कि बहुत सारे लोग आपके पास पहुंचेंगे, बोलेंगे सर आप इतना बताए हैं, बाकी लोग इतना बता रहा है, ये करिए वो करिए, तो उसके हिसाब से आप कम तो नहीं करिएगा? अरे ब्रह्मा जाएंगे तो भी कम नहीं करेंगे हम। अब जो टीचर बोल रहे थे इसका मतलब क्वेश्चन आउट करा है, क्वेश्चन आउट करा के दे दिए और तब इस तरह की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं भाई। अब पैसों पर आते हैं कि 50,000 दीजिएगा तो बेड़ा पार लगा देंगे, कट ऑफ आपका, मतलब कि फोन आता है, एक प्रिया नाम की लड़की को फोन आता है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को फोन आता है कि हम बीपीएससी अधिकारी बोल रहे हैं, आपका कट ऑफ से कम जा रहा है, तो वो कौन है जो ये फोन कर रहा है, और वो कौन है कि कट ऑफ देख के बोल रहा है कि 50,000 रुपए लाओ सेट कर देंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यही जांच का विषय है, अगर जितना वो कट ऑफ बता रहा है उतना वास्तव में कट ऑफ है, तो इसका मतलब कि बीपीएससी के अंदर चोर बैठे हुए हैं अभी तक। कि अगर वो फोन कॉल पे कट ऑफ जितना बता रहा है और बीपीएससी जो जारी करेगी वो कट ऑफ सेम हुआ, तो इसका मतलब कि बीपीएससी के अंदर चोर है, और अब बीपीएससी को रहने का कोई अधिकार नहीं है, किसी परीक्षा को लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उसे जो कटअप बताया है और उतना कटअप नहीं आता है, ये फ्रॉड है। हाँ, फ्रॉड तो हर गली पर, हर मुक्कड़ पर फ्रॉड है। पैसा तो ऐसा हो गया कि साला जिंदगी भर मर्जी के पढ़ाओ और जाके पैसा लेके चला जा रहा है सब कहीं, और अपने बाप के अपने दादा के यहाँ, तो ये पैसा बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर प्रिया को जो आया है फोन, वो फोन में जो कटअप बताया गया है, अगर वही कटअप समान रहता है तो बीपीएससी को कबार के फेंक देने की आवश्यकता है, और अगर ये गलत है तो उन फ्रॉड पर कार्रवाई करे हमारी पटना पुलिस, हमारी आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह सक्षम। यू पहुंचे थे जिसके साथ आपको याद होगा हम गए थे, आप गए थे नीतीश कुमार के पास, वही शिक्षक अभ्यर्थी अनुराग पहुंचते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग हमारी वीडियो पे भी है, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया है उन्होंने, और सारा डिटेल है सर उसके पास, जो जो कॉल कर रहा है उसके पास सारा डिटेल है कि आपने कौन से सेंटर पर आप गए, कौन सा परीक्षा आपने दिया, कितना आपको आ रहा है, सब चीज़ उस आदमी के पास कैसे है सर? देखिए, अगर ये बात सच है और ये मिल जा रहा है, बीपीएससी का कोई कर्मचारी है, तो फिर बीपीएससी का बायकॉट कर देना चाहिए। बच्चों से मैं कहूँगा अहिंसात्मक बायकॉट करो, बीपीएससी के पास आधुनिक करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं करूँगा। बीपीएससी, अरे भैया जो इस तरह का नौटंकी करेगा उसको रहने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार है। दलाल चोर को आप 10 साल की सजा दे रहे हैं ना, 1 करोड़ जुर्माना दे रहे हैं ना, तो जो दलाल और चोर, जो दलाल और चोर इस तरह की हरकत कर रहा है उस बीपीएससी के अंदर अगर कर रहा है, तो फिर बीपीएससी का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं बीपीएससी का। ये हो रहा माननीय मुख्यमंत्री से, नजर गड़ाए रखेंगे क्योंकि ये आर्थिक अपराध इकाई में पहुंचा है, निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में, चाहे एडीजी हो चाहे जो भी हो, हमारे बहुत निकटतम है, और वैसी परिस्थिति में पता लगा लूंगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अगर ये सच है तो बीपीएससी को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए और सफाई कर्मी से लेके अध्यक्ष तक को बर्खास्त कीजिए, साफ कर दें, एकदम साफ कर दें। बीपीएससी तो रिजल्ट अटक जाएगा, मेन आने वाले कम से कम अच्छे लोगों का दरवा बीपीएससी आने वाला है। भैया चोर आएगा तो क्या करेगा, 2 लाख रुपया में बिक जाने वाला दरोगा बन ना, क्या गारंटी के दारू नहीं बेचवाएगा?
क्या गारंटी है? ये भी होता है जब 2 लाख में लेके रिजल्ट अपने बाप को बदल दे रहा है, अपने गुरु को बदल दे रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उतारू में जो आएगा 100% बुरा लगता है, रोना आता है, इस सिस्टम पर रोना आता है। और जो बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर नजर उठाइए और उनको जड़ से कबारिए, क्योंकि बिहार की अस्मिता का प्रश्न है। बिहार की अस्मिता पर जिस दिन उंगली उठेगी, गुरु रहमान जान देने के लिए तैयार। सब चीज सब जगह जाके हम आपके पास पहुंचते हैं, सबसे पहले भी पहुंचते हैं और सबसे आखिरी में भी पहुंचते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सारा चीज मिला जुला के पता ये चला कि इस बार टीआरई 3.0 में 70% बाहर के हैं और मात्र 30% यहाँ के हैं। नहीं, ये तो 100% गलत है, 110% गलत है, और इसका खामियाजा लोग भुगतेगा निश्चित रूप से। आपके भी क्लासरूम में आते हैं? बिल्कुल, इस तरह की बात हो रही है कि 70% बाहर के आ रहा है, 30% बिहार आ रहा है। इस परीक्षा का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि है, और माननीय मुख्यमंत्री को अगर संज्ञान में ये बात है तो माननीय मुख्यमंत्री इस पर निश्चित रूप से एक कदम उठाए। शिक्षा मंत्री में तो आप जीत हासिल, अटेम्प्ट में जीत हासिल कर ली, और हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी जीत हासिल करेंगे, लेकिन ये पर अभी भी आपको, हाँ अभी भी उम्मीद है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर आंख मूंद के विश्वास है, क्योंकि अब तक के बिहार में जो शुरू का छोड़ दीजिए तो यानी बिहार को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है, इसलिए सैल्यूट के पात्र है। लेकिन जो चोर दलाल इनके नाक के नीचे पल रहे हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, यही बच्चों की विनती है। और हम हाथ जोड़ कर रहे हैं, हुजूर बिहार को बचा लीजिए, बिहार को बचा लीजिए। कोचिंग वाले पर भी नजर रखिए, कोचिंग वाले पर भी नजर, तो फिर आपके भी आगे पीछे लोग। अरे भाई, हमारे पास 2-4 हजार दिन भर बैठे रहिए ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोचिंग वाले पर नजर रखिए, क्योंकि पैसा वाले खेल खेल रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में गरीब बच्चों को पढ़ाना अगर हम लोग छोड़ के चले गए बनारस, तो निश्चित रूप से चोर दलालों की भरमार हो जाएगी। लेकिन आपने आज इस फिर से इस वीडियो में अलग खुलासा कर दिया, हमेशा अलग खुलासा करते हैं। आपने सीधे यही कहा है कि वो जो फोन कर रहा है उसका कट ऑफ और जो बीपीएससी आयोग कट ऑफ निकालेगी, अगर वो दोनों मैच किए और दोनों अगर सेम आता है तो भैया खेल हो चुका। खेल हो चुका नहीं, उस परिस्थिति में बीपीएससी का कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। लड़के अगर उस समय उठाएगा चल जाएगा, फिर नहीं। अगर लड़के जो अगर उस समय भी चुप रहते हैं तो इनको कहेंगे जाके आप लोग भाड़ में जाइए, और वैसी परिस्थिति